अनलॉकिंग कब करते हैं? जब कोई भी लॉक लगाओ, जैसे आपके मोबाइल फोन में पैटर्न लॉक लगाओ, पासवर्ड लगाओ, पिन है, या ऐसा कुछ भी आपके मोबाइल फोन में लॉक लगा, अगर किसी भी तरह का लॉक लगा होता है तो ये सारा सब कुछ हम लोग किस में करते हैं? अनलॉकिंग। कस्टमर कहता है मेरे फोन में लॉक खोल लीजिए, ठीक। फ्लैशिंग का मतलब होता है यदि आपका फोन हैंग हो रहा है, स्लो चल रहा है, लोगों पे खड़ा, लोगों का मतलब होता है जैसे मोबाइल फोन है इसमें प्रॉब्लम है, इसमें रियलमी लिख करके खड़ा है, क्या है, रियलमी लिख करके, तो इसको बोलते हैं लोगो। क्या बोलते हैं? लोगो। अगर ऐसा कभी भी लिख करके स्टॉप हो जाता है तो ये लोगों की समस्या है, कहता है कि फोन हमारा लोगो पे खड़ा है। ये सारी समस्याएं सॉफ्टवेयर की आती हैं। किसकी समस्या होती है? सॉफ्टवेयर की होती है। तो हम लोग अनलॉकिंग भी करना सीखेंगे, फ्लैशिंग भी करना सीखेंगे। तो पहले हम लोग कोई भी मोबाइल फोन आता है तो मैंने आपको पहले बता दिया ये दो तरीके की कमी आती है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जितने भी हमारे पास जो भी मोबाइल फोन आ रहे हैं इस समय पर प्रेजेंट टाइम पर सॉफ्टवेयर करने के लिए, हमारे हैंडसेट के अंदर तीन कैटेगरी की, चार कैटेगरी का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है। पहला सॉफ्टवेयर होता है जावा। जावा को मैंने आपको बताया था कि ये सॉफ्टवेयर जो रहता है बेसिकली कीपैड मोबाइल फोन में इस्तेमाल होता है, जितने भी छोटे मोटे कीपैड फोन आते हैं इसमें इस्तेमाल होता है। ये सॉफ्टवेयर बहुत छोटा होता है, 10 MB या 20 MB तक का छोटा सॉफ्टवेयर होता है। उसके बाद दूसरा सॉफ्टवेयर आता है एंड्रॉयड। एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर को बनाया किसने है? गूगल कंपनी ने बनाया है। जितने भी एंड्रॉयड मोबाइल फोन आते हैं सारे एंड्रॉयड मोबाइल फोन को जो बनाया किसने बनाया है? गूगल ने बनाया है। गूगल ने जब इसको लॉन्च किया था तो सितंबर 2008 में लॉन्च किया था। कब लॉन्च किया था? सितंबर 2008। उसके बाद अगला सॉफ्टवेयर जो आया उसको हम लोग विंडो सॉफ्टवेयर को माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था। किसने बनाया था? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। फिर अगला सॉफ्टवेयर आया जिसको नाम होता iOS, आईफोन ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। मतलब चार कंपनी के सॉफ्टवेयर आते हैं। हमारे पास जो भी मोबाइल फोन आता है इस मोबाइल फोन को बनाने वाली कंपनी में से दो कंपनियों का रोल होता है। एक तो होता है हार्डवेयर बनाने वाली कंपनी का, दूसरा होता है, अगर ये आपके डिवाइस चल रही है तो इसके अंदर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों का रोल है। अगर दोनों चीजें हैं तभी चलेगी, नहीं दोनों चीजें तो नहीं चलेगी, ठीक है। तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का दोनों का बिल्कुल बराबर रोल होता है। इसीलिए अगर मैं कहता हूं कि आपके पास मोबाइल फोन है, इस मोबाइल फोन को जो बनाने वाली कंपनी है सैमसंग ने बनाया है, तो इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर जो चल रहा है इसको किसने दिया है? गूगल। किसने दिया है? गूगल। मतलब फोन को बनाने वाली कंपनी और है और सॉफ्टवेयर को बनाने वाली कंपनी और है। ऐसे ही जावा में है कि फोन आईटेल का है, लावा का है, इंटेक्स का है, टेक्नो का है, कोई भी फोन है लेकिन उसके अंदर सॉफ्टवेयर जावा चल रहा है। उसके बाद विंडो जो सॉफ्टवेयर है, ये फोन नोकिया के फोन आते थे उसमें विंडो के सॉफ्टवेयर यूज होते थे, अब फिलहाल ये बंद हो गया, अब नहीं आता, तो इसको माइक्रोसॉफ्ट ने बना के दिया था लेकिन मार्केट में यूजर फ्रेंडली नहीं रहा इसलिए क्या हो गया, ये बंद हो गया। अगला सॉफ्टवेयर आता है विंडो सॉफ्टवेयर, सॉरी iOS सॉफ्टवेयर। iOS सॉफ्टवेयर को आईफोन कंपनी में यूज होता है, मतलब एप्पल कंपनी ने बनाया है लेकिन ये अपने ही डिवाइस में यूज करता है, किसी दूसरे को देता ही नहीं। जब दूसरे को देता ही नहीं तो जो और मोबाइल फोन कंपनी है तो उसमें से नहीं चलता, सिर्फ इसी में चलेगा। अगर कल कोई iOS सॉफ्टवेयर सैमसंग को अगर दे दे तो सैमसंग भी एप्पल जैसा बन जाएगा, वो भी उसी तरीके से चलेगा, लेकिन उसने अपने आप को नहीं दिया तो यही उसका ब्रांड है। अच्छा, इसमें फायदा भी है कि जो फोन होता है ये भी एप्पल कंपनी का और जो सॉफ्टवेयर है वो भी एप्पल कंपनी का। जब कोई भी चीज जब एक ही कंपनी की होती तो तालमेल अच्छा होता है, तालमेल अच्छा होता तो चलने में अच्छा लगता है, उसका फिटिंग अच्छा होता है, क्वालिटी अच्छा होता है, डिजाइन अच्छा होता है, एक दूसरे से मैच करता है। और अगर जब किसी एक चीज दूसरी कंपनी की होती तो एक चीज दूसरी कंपनी की होती तो उसमें तालमेल थोड़ा सा कम बैठता है। क्यों तालमेल कम बैठता है? क्योंकि दोनों कंपनी अपने आप को बेहतर करके दिखाने की कोशिश करती है। जब कोई भी दो में से जब कोई चीज एक बेहतर आपको चुनना पड़ेगा तो क्या है, जैसे शादी के लिए गए और वहां पर तुमको दो लड़की दिखाई गई तो दो में से तुम्हें सेलेक्ट करोगे कि अच्छा कौन सा है, और जब तुमको एक ही दिखाया जाए तो जो अच्छा बुरा सब उसी को रख लो, है ना। उसी तरीके से क्या रहता है कि इसमें से एप्पल के पास सिर्फ एक ही च्वाइस है, अपना ही सॉफ्टवेयर है, दूसरा लेकिन जो बाकी एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड के अंदर फोन सैमसंग का, वीवो का, ओप्पो का, रियलमी का, लेकिन सॉफ्टवेयर गूगल का।
तो जितने भी सारे मोबाइल फोन आते हैं तो सारे मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर किसका इस्तेमाल होता है? गूगल कंपनी का। लेकिन अगर मार्केट में अगर रेशियो देखा जाए तो आज के दौर पर 95% जो मोबाइल फोन यूज होता है वो एंड्रॉयड यूज होता है, 10% iOS होता है, 10% जावा होता है। ये तो बंद ही हो गया, ये फिलहाल बंद हो गया, ये नहीं आता। कल तक की क्लास में मैंने आपको इतना बताया था, ठीक है। इसके बारे में जो मैंने बातें बोली हैं वो मैंने लिखा भी थी, जिसका नहीं लिखा है तो आपस में एक दूसरे से शेयर करके लिख लेना, ठीक है। अब हम लोग जो सबसे पहले जो सीखने वाले हैं, यहाँ से आपके सॉफ्टवेयर की बिल्कुल मेन क्लास स्टार्ट हो जाती है। हम लोग जो सबसे पहले सीखने वाले हैं, सबसे पहले एंड्रॉयड सेट का सीखने वाले हैं। किसका सीखने वाले हैं? एंड्रॉयड सेट का। हमारे एंड्रॉइड कंपनी के मोबाइल फोन आते हैं, उस एंड्रॉइड मोबाइल फोन कंपनी को हम लोग कैसे रिपेयर करेंगे, उनको चेक करने का तरीका हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक डालिए एंड्रॉइड मोबाइल फोन सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग। एंड्रॉइड मोबाइल फोन ही अपने आप को स्मार्टफोन कहता है। क्या कहता है? स्मार्टफोन। स्मार्टफोन का मतलब होता है ऐसा मोबाइल फोन जिस मोबाइल फोन के अंदर सारे फीचर्स हों, जिस मोबाइल फोन के अंदर सारे फीचर हों, सारे फैसिलिटी हों, सारे सर्विसेज हों, आप जो चाहे इस्तेमाल कर सकें। तो एंड्रॉयड फोन में ऐसे फिलहाल सारी चीजें होती हैं। इस समय पर हम लोग जितने भी सारे जो लोग मोबाइल फोन यूज करते थे एंड्रॉयड फोन ही यूज करते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग जो समझेंगे एंड्रॉयड फोन के बारे में समझेंगे। एंड्रॉयड फोन सॉफ्टवेयर को गूगल कंपनी ने लॉन्च किया था, यह सॉफ्टवेयर में अलग अलग वर्जन आते हैं। जितने भी एंड्रॉयड मोबाइल फोन आते हैं तो सारे एंड्रॉयड मोबाइल फोन को सॉफ्टवेयर में क्या रहता है, अलग अलग वर्जन आते हैं। कैसे होते हैं? अलग अलग वर्जन आते हैं। वर्जन बढ़ने से, वर्जन अपडेट होने से उसमें से तीन चीजों के बदलाव होते हैं। एक तो पहली बात होता है फोन का ग्राफिक अच्छा हो जाता है। पहले समझ लीजिए, बाद में लिखिएगा, ठीक है सब लोग। सबसे पहली बात क्या रहता है? फोन का ग्राफिक अच्छा होता है। पहली चीज, जब आपके मोबाइल फोन का ग्राफिक अच्छा हो जाएगा तो मोबाइल फोन दिखने में खूबसूरत लगने लगता है, अच्छा लगने लगता है। दूसरी बात होता है फोन की प्रोसेसिंग में फर्क आता है। प्रोसेसिंग का मतलब समझ रहे हो? स्पीड। मतलब जितने भी मोबाइल फोन होते हैं वो मोबाइल फोन की स्पीड पहले की अपेक्षा हमेशा तेज हो रही है, ज्यादा 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 हैंग क्या चीज होता है, फोन हैंग किसे कहते हैं? हैंग का मतलब होता है जैसे कह रहे तुम धीरे धीरे चल रहे हो, तो तुम धीरे धीरे ऐसे चल रहे हो कि तुम्हारी क्षमता से ज्यादा हम तुम पे लोड रख देंगे तो तुम धीरे हो जाओगे। भाई अगर हम तुमको एक सीमेंट की बोरी उठवा दें तो तुम क्या हो जाओगे? धीरे धीरे चलोगे। अगर हम तुमको कोई गत्ता उठवा दे इतना बड़ा तो फिर क्या होगा? उसको उठा के ले जाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी लोड से वो कम है। उसी तरीके से मोबाइल फोन में होता है, यदि हमारे मोबाइल फोन की कोई भी चीज होती है वो लोड कैपेसिटी से ज्यादा होता है तो वो हैंग होता है, लोड कैपेसिटी से कम होता है तो स्लो हो जाता है, ठीक है। ग्राफिक अच्छा हो जाता है, प्रोसेसिंग अच्छा हो जाता है। दूसरी चीज होता है इसमें सिक्योरिटी में फर्क होता है। क्या हो जाता है? सिक्योरिटी में फर्क हो जाता है। सिक्योरिटी उसकी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। जैसे आपने कोई नया मोबाइल फोन लिया तो फोन पहले से अच्छा दिखेगा। दूसरी बात क्या होता है? उसमें प्रोसेसिंग अच्छी हो जाएगी। तीसरी चीज क्या हो जाता है? उसमें सिक्योरिटी बढ़ जाएगी। अच्छा, सिक्योरिटी बढ़ने से हमारे फोन में परिवर्तन नहीं रहता है कि हमको पासवर्ड तोड़ने में दिक्कत आती है। हर एक कंपनी बार बार उसमें पासवर्ड इसलिए अपडेट कर देती है ताकि उस पासवर्ड को आसानी से ना तोड़ा जा सके। अगर उस पासवर्ड को आसानी से तोड़ा जाएगा तो फिर उस सिक्योरिटी का मतलब ही क्या रहा? भाई आप अपने घर में ताला लगाते हो
जब आप दोबारा लॉक लगाते हो तो पहले से बेहतर लॉक लगाते हो। क्या काम करते हो? पहले से बेहतर लॉक लगाते हो। जैसे ही आप पहले से बेहतर लॉक लगाओगे, फिर उससे बेहतर हो जाएगा, फिर उससे बेहतर हो जाएगा, फिर उससे बेहतर हो जाएगा, क्योंकि हर बार लॉक को हम लोग क्या करने लगते हैं, चेंज करते रहते हैं और बेहतर करते रहते हैं। अगर हम बेहतर नहीं करेंगे तो फिर हमारा फायदा क्या रहेगा, मतलब वो तो नॉर्मली फोन हो जाएगा। अब ये सारा सब कुछ कैसे होता है? ये वर्जन अपडेट होने से होता है। किससे होता है? आज के टाइम पे वर्जन जो होता है 1.0 वर्जन से लेकर के 14 वर्जन तक आ चुका है। 1.0 से लेकर 14 वर्जन तक आ चुका है। 1.0 से लेकर 14 वर्जन का मतलब होता है, जैसे आपके पास कोई मोबाइल फोन है, 1.0 है, 2.0 है, 3.0 है, 4.0 है, 5.0 है, 6.0 है, 7.0, ऐसे इसके अलग अलग सारे बहुत सारे वेरियस वर्जन आ चुके हैं। तो वर्जन अपडेट होने से उसमें सिक्योरिटी तोड़ने में बदलाव हो जाते हैं, जैसे पासवर्ड तोड़ने में थोड़ा तरीका बदल जाएगा और FRP हटाने में तरीका बदल जाएगा, मतलब थोड़ा थोड़ा सब में क्या हो जाता है, बदलाव हो जाता है। लेकिन वो बदलाव कैसे मायने रखता है, वो वर्जन पे ही डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? वर्जन पे डिपेंड करता है। तो ये हमने बताया कि हमारे पास जो मोबाइल फोन आते हैं 1.0 से लेकर 14 वर्जन तक है। वर्जन बढ़ने से तीन चीजों में बदलाव होते हैं, ग्राफिक, प्रोसेसिंग, सिक्योरिटी। मतलब फोन का ग्राफिक पहले से बेहतर हो जाएगा, फोन का प्रोसेसिंग जो है पहले से अच्छा हो जाएगा, फोन का जो सिक्योरिटी है वो पहले से हार्ड हो जाएगा। ठीक है, जितनी बार उसमें, हाँ ये बिल्कुल, ये जो हमारे पास जो मोबाइल फोन आए हैं, गूगल कंपनी ने जो मोबाइल फोन लॉन्च किया है, तो गूगल कंपनी की खासियत है वो ये चाहती है कि हम कोई सॉफ्टवेयर है उसको बार बार लॉन्च करते रहें। क्या करते रहें? बार बार लॉन्च करते हैं। बार बार लॉन्च करने का मतलब होता है, जैसे हीरो कंपनी ने एक स्प्लेंडर गाड़ी बना दी, उस स्प्लेंडर का बना दिया पहले स्प्लेंडर, फिर बना दिया स्प्लेंडर प्रो, फिर उसी को बना दिया सुपर, उसी को बना दिया कल को एडवेंचर, एडवांस, ऐसे कई सारे नाम देती रहती है। तो नाम देने का मतलब क्या है कि उसके वर्जन निकाली। वर्जन से क्या होता है, उसमें फीचर बढ़ाती है। क्या बढ़ाती है? फीचर बढ़ाती है।